लच्छ पब्लिक स्कूल। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को अभी क्लास 7 का 6 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है, हेडिंग है टाइटल चैप्टर का, ए लिटिल ड्रेक ऑफ चाइना। एक छोटा जो है नर बत्तख है, हंस भी जिसको कहा जाता है, वो चाइना का है। और उसी पर कहानी है। और इस कहानी का जो मोरल है, नैतिक शिक्षा यह है कि किसी से भी आप कर्ज लें तो उसको वापस समय पर कर देना चाहिए, यही उचित है। और इस कहानी में इस तरह शुरू होता है कि बहुत पहले की बात है, जब एक छोटा सा नर बत्तख चाइना में रहता था, उसका नाम था वू। और वो छोटा नर बत्तख का नाम था वू, WU। और वो बहुत ही चालाक छोटा सा बत्तख था, नर बत्तख जो है। और बहुत ज्यादा पैसा रखा था, तो जो राजा था वैंग द किंग जो था, वो गरीब था। तो वह ऑफन आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, दोस्तों से अपने राजा जो है वैंग उधार पैसा मांगता था। एक दिन किसी ने वैंग से कहा कि आप क्यों नहीं यू के पास जाते हैं, जो नर बत्तख है उसके पास जाकर पैसे उधार मांगिए, वह बहुत धनी है। तो वैंग जो राजा थे कहते हैं, क्या वह सचमुच में धनी है? तब तो मैं उसे जरूर पैसे मांगूंगा जाकर। वो जो है पहले जब पैसा वैंग को देता है तो खूब खुशी होता है, गर्व महसूस करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने वैंग राजा को कर्ज दिया है, पैसा दिया है। लेकिन 2 साल जब बीत गया तो वैंग ने एक पैसा भी नहीं वापस किया। 2 साल बीत गए, वू ने सोचा कि अब समय है कि अब जाकर महल में राजा से, वैंग से पैसा जो है मैं वापस मांगू। सुबह जो है एकदम सुबह वू जो है रवाना हो गया पैसा मांगने के लिए। महल वैंग राजा के महल के लिए जब रवाना हो गया, तब जो है रास्ते में एक बहुत बड़ा चावल का खेत, धान का खेत जो था उसको पड़ा। और वहाँ हरा चावल था, ग्रीन राइस जो है धान, और आज स्प्रिंकिंग अप इन द, और काली मिट्टी चिपचिपा जो है धान में जो है था, काली मिट्टी और हरा धान। तो उसने गीत गाने लगा, गाते हुए जा रहा था कि चावल हरा है, धान हरा है, मिट्टी काली है, वो को अपना पैसा वापस अवश्य लेना। और गीत गाते हुए चावल हरा है, धान हरा है, मिट्टी काली है, और वो को पैसा अपना वापस लेना है, गाते हुए गीत जा रहा था। तो बहुत दूर नहीं गया था और उसने देखा कि एक लोमड़ी से उसका मुलाकात हो गया, भेंट हो गया। और ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिज, बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन ये विचित्र चीज है, लोमड़ी से और बत्तख से दोस्ती कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्ती हो जाता है। और हेलो वू, लोमड़ी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो वू? तो कहा कि मैं महल जा रहा हूँ और वैंग राजा से मुझे कर्ज पैसा वापस लेना है। तो लोमड़ी कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो वो कहते हैं क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो। और वो और लोमड़ी अपने रास्ते पर वापस बढ़ते जाते हैं। और जल्द ही उन्होंने एक और दोस्त को देखा, सीढ़ी जो था, लैडर जो दीवार से लगा हुआ था। तो दीवार भी पूछती है, वो दीवार सीढ़ी पूछती है उसे कि आप कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ जा रहे हो? नर बत्तख से पूछता है सीढ़ी जो है। तो वो बताते हैं कि मैं महल जा रहा हूँ वैंग राजा से अपना पैसे वापस मांगने के लिए। तो सीढ़ी कहता है क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो क्यों नहीं, यस कम एलोन, चलिए आइए मेरे साथ। और वो और लोमड़ी और सीढ़ी सभी जो है रास्ते से साथ साथ जाने लगे। जल्द ही वो ने एक दोस्त नदी को देखा, जो रिवर RIVER, नदी जो फ्लोई करती है, बहती है पानी।
चमचमाती जैसे चांदी के तरफ सूरज के धूप में, और वेयर आर यू गोइंग, नदी ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हो, तो वो ने बताया कि मैं वैंग राजा के महल जा रहा हूँ, मुझे अपना पैसा वापस मांगना है। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, नदी ने पूछा, तो यस क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, वो ने कहा। इस प्रकार वो लोमड़ी, सीढ़ी और नदी, वो फॉक्स द लाइडर एंड द रिवर, सभी जो है रास्ते में साथ साथ जाने लगे। थोड़ी देर के बाद जो है सड़क के किनारे जो उन्हें देखा कि मधुमक्खी उड़ रही है, मधुमक्खी बीज फ्लाइंग नियर द हाई, मधुमक्खी का छत्ता होता है काला काला जो है बहुत बड़ा, और वहां पर जब मधुमक्खियों ने देखा तो उसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग, तो उसने जवाब दिया, उसने कहा कि हम, मैं जो है महल जा रहा हूँ वैंग राजा के महल में, और मैं अपना पैसा वापस मांगने जा रहा हूँ जो कर्ज दिया हूँ वैंग राजा को। कम एलोंग सेड वो, इस प्रकार जो है वो और लोमड़ी और सीढ़ी और नदी और मधुमक्खी ये सब जो है एक साथ राजा के महल जाने लगे। और जब वो ने राजा के महल के करीब पहुंचा तो उन्होंने दोस्तों से कहा कि आप लोग बगीचा में बैठकर इंतजार कीजिए, वेट करिए, और मैं जो हूँ दरवाजा के पास जाता हूँ राजा के महल के, और जाकर दरवाजा पर चिल्ला कर कहा उन्होंने सैनिकों से जो गार्ड होते हैं, कहा कि राजा को कह दो कि वो यहाँ आया है और राजा से बात करने की इच्छा रखता है। तो राजा सुनकर जो है हंसेगा, हो सो वो आया है, बत्तख नर बत्तख, उसको जो है मुर्गियों के बीच में डाल दो आंगन में जो है। अब जो है आदेश दे दिया, और मुर्गी जो है देखकर वो को जब डाला गया मुर्गियों के बीच में तो वो अच्छा महसूस नहीं की, चोंच से मार मार कर उसको परेशान कर देती। और ऐसी कठिन समय में वो ने सोचा कि लोमड़ी के बारे में याद आ गया जो है जो बगीचा में इंतजार कर रही थी, और अपने एकदम ऊंचा आवाज में चिल्ला कर जितना जोर आवाज हो सके, भाई लोमड़ी मेरी मदद करो, और इन दोस्तों जो पंछी हैं उसको दूर कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और लोमड़ी जो है जैसे ही वो जोर से चिल्ला कर बुलाया, लोमड़ी एक ही छलांग लीप कर कर जो है पहुंच गई मुर्गियों के बीच में, और सब जो है मुर्गी भाग गए वहां से चिल्लाते हुए, जो टर्कीज नाम दिया है इसमें। और वो जो है फिर महल के पास गया राजा के पास, और जैसे राजा का खिड़की है तो खिड़की पर जो है उछल उछल कर खुदक खुदक कर जो है गीत गाने लगा, धान हरा है मिट्टी काली है और मुझे अपना पैसा वापस लेना है, द राइस इज ग्रीन द मड इज ब्लैक वी मस्ट हैव हिज मनी बैक। और देयर इज वो, और यहाँ पर वो फिर चिल्लाया, अरे फिर वापस आ गया नर बत्तख जो है, वैंग ने चिल्लाया इसको कुआं में फेंक दो इस बात का, और कुआं जो है बहुत गहरा था, और जो गरीब वो है कमजोर वो है लाचार है बेसहारा है, ऐसा महसूस की कि अब नदी कुआं में डूब जाएगी, और एकदम संघर्ष कर रही थी पानी से, अब उसके पानी जो है गर्दन के पास जा रहा था, और एज ही वाज स्ट्रगलिंग इन द वाटर संघर्ष कर रही थी, उसने सोचा उसका दोस्त को याद आ गया, अरे सीढ़ी सीढ़ी इंतजार कर रही है बगीचा में, जोर से उसने चिल्लाया, सीढ़ी आओ मेरी मदद करो मेरे दोस्त, अन्यथा मेरा जो लाइफ है तुरंत एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम एंड हेल्प योर फ्रेंड लैडर और माय लाइफ विल क्विकली एंड माय फ्रेंड द लैडर हर्ड, जैसे ही सीढ़ी ने उसकी आवाज को सुना तुरंत जो है कूद कर जो है कुएं में गिर गई, और उस पर से सीढ़ी पर जो है खुदक खुदक कर जो बत्तख है नर बत्तख है ऊपर कुआं के बाहर आ गया जमीन पर, और मार्च बैक टू द पैलेस, फिर वापस महल के पास गया राजा के महल के पास, और फिर गीत गाता है, धान हरा है चावल हरा है धान हरा है और मिट्टी काली है और मुझे पैसा वापस लेना है, देयर इज वो द ड्रैग सिंगिंग, बार बार गाता रहा, और वैंग ने चिल्ला कर कहा फिर वो आ गया, फिर गा रहा है, इसको आग में डाल दो और इसको जला दो। आग लगाया गया, नौकर जो है वहां पर तैयार हो गए उनको आग में डालने के लिए, और
जैसे ही उन्हें देखा आग के ज्वाला को, तो उसको जो अब जो है डर से दोस्त का याद आ गया, नदी, नदी को साथ लाया था, तो दोस्त नदी इंतजार कर रही है बगीचा में, उसको बुलाया, नदी नदी इस रास्ता से फ्लो दिस वे और वो विल श्योरली बर्न टूडे, अगर नहीं आओगी नदी जो है तो मैं चल जाऊंगा, आज मर जाऊंगा। रिवर उसकी आवाज को सुनकर तुरंत आग के तरफ आया, बहुत ही ग्रेट रश से तेज धार से जो है नदी जो है बहते हुए उस अग्नि के ज्वाला पर जो है बह गई, और उसको जैसे अग्नि पर पानी डलता है तो वो जो है फुफकार से बुझ जाती है, उसी प्रकार का आवाज हो रहा था, आग बुझ जाता है, नौकर भाग जाते हैं, नदी बहुत तेज से बहते हुए नौकरों का पीछा करते हुए महल के करीब जाती है, बगीचा में घास के मैदानों में महल में राजा के जो होता है सब में पानी पानी बह जाता है, भर जाता है, और वाटर रोज राउंड द पैलेस, और वो जो है खुशी पूर्वक क्योंकि बत्तख है तो वो पानी में तैर सकता है और गीत गाते हुए कि धान हरा है मिट्टी काली है मुझे हम अपना पैसा वापस हम लोगों को लेना है, और वैन अप टू हिज नेक इन वाटर। अब जो राजा था, राजा का देखिए क्या हाल चाल है, वहाँ पर कंडीशन क्या है, वो उसका गर्दन तक पानी जो है चला जाता है, चिल्लाने लगता है कि उस बत्तख को यहाँ लाओ, पानी में डूब जाता है, मैं उसकी गर्दन को मरोड़ दूंगा, ठीक है उसको ऐंठ दूंगा, और नौकर जो है पानी में उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो बत्तख को, डियर मी नाउ आई एम इन ट्रबल अगेन, फिर जो है बत्तख वो जो है नर बत्तख है उसको याद आता है मधुमक्खियों को जो उसने बगीचा में छोड़ दिया था, इंतजार कर रहे थे, इन ए लाउड वॉइस वो क्राई, बहुत ही तेज आवाज में वो चिल्लाता है, कहता है फ्लाई हियर, यहाँ तेजी से जल्दी से आ जाओ छोटी छोटी मधुमक्खियाँ, कम लिटिल बीज क्विकली, कम एंड हेल्प मी, सेव मी प्लीज, जल्दी से आ जाओ मुझे रक्षा करो, मेरी मदद करो। मधुमक्खियाँ उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत जल्द आ जाती हैं और वे उड़कर नौकरों को काटने लगती हैं, चिपक जाती हैं, उनको दूर भगा देती हैं और उसके बाद राजा को काटने लगती हैं। इसके बाद जो है वो क्या होता है, पानी की बहुत गर्दन तक राजा के पास चला गया है तो मधुमक्खियाँ काटने लगती हैं तो वो पानी में डूबने लगता है, अब तैर नहीं पाता है, और इस प्रकार जल्द ही वो जो है अपने आप को अकेला पाता है क्योंकि राजा पानी में डूबने लगता है, अब कोई नहीं रहता है, तो बहुत बड़ा महल है और बड़ा कमरा है राजा का, जो वहाँ पर गद्दी था, जहाँ पर जहाँ बैठता था वहाँ पर, और अपना धन के लिए, अपने संपत्ति के लिए जो पैसा कर्ज थी दिया था जो वो नर बत्तख है, वो कमरा का पूरा खोज करता है कि कहाँ मेरा धन संपत्ति है, लेकिन एक पैसा भी उसको नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, थका रहता है तो राजा के गद्दी पर जो है महल में वहीं पर बैठ जाता है, उसे नींद आ जाती है, थकने के कारण वो सो जाता है, और इसी समय लोग चूंकि देख चुके थे कि वैन जो राजा था वो पानी में डूब रहा था, तो अब जो सोचते हैं कि महल में क्या हो रहा है जाकर पता लगाया जाए, व्हाट वाज द मैटर, एंड दे वेंट क्विकली टू द पैलेस, महल जाते हैं और दे मर्ज टू द ग्रेट थ्रोन रूम, जब जैसे ही वो पहुंचते हैं महान गद्दी के जो कमरा होता है जिसमें गद्दी होता है राजा का बैठने के लिए थ्रोन, तो वहां क्या देखते हैं कि वो वहाँ पर जो नर बत्तख है वो बैठा हुआ है, और वाई हियर इज अ फाइन किंग, यहाँ तो बहुत ही अच्छा राजा है, तो कोई बात नहीं है, जो बत्तख नर बत्तख राजा से पैसे अपना कर्ज मांगने के लिए जाता है उसको नहीं देता है, उसको नदी में उसको आग में जलाना चाहता है, कुआं में डुबोना चाहता है और उसको जो है बहुत तरह से मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पाता है, खुद पानी में डूब जाता है, और जो बत्तख पैसा मांगने नर बत्तख जाता है वो गद्दी पर राजा के बैठा रहता है, और लोग क्या सोचते हैं कि वो तो राजा मर ही गया क्योंकि देख चुके थे, तो नर बत्तख ही अच्छा राजा है, क्या बात हुआ, कोई बात नहीं है, और वैन जो है डूब गया है और वापस कभी नहीं आया महल में, और जो नर बत्तख है वो अपने बचे हुए जिंदगी भर के लिए राजा बन गया। ठीक है दोस्तों और माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है उम्मीद समझ में आ गया होगा, और फिर नाइस टू सी यू, फिर भी आपको कोई परेशानी है
कोई को प्रश्न है, कोई समझ में नहीं आता है तो उसको व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और इस सब चैप्टर का जो 6 चैप्टर तक है क्वेश्चन आंसर समरी सब व्हाट्सएप ग्रुप पर 7 क्लास की क्लास टीचर सत्या सर हैं और प्रिया मैम हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बनाया गया है उस पर भी भेज दिया गया है, उस पर से आप नोट्स बना लीजिए, फिर बना लीजिए, फिर भी कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको व्हाट्सएप नंबर पर जो अभी आपके स्क्रीन पर दिया गया है उस पर भेजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।